What your intelligence is fathoming, figuring out, understanding that subject will always become a platform for you to do the same thing better the next time. सबसे पहले तो फेलियर्स का, असफलताओं का डिजाइन देखो। सपोज तुमने कोई ऐसा कार्य हाथ में लिया जो अभी तक नहीं किया है तुमने, तो थोड़े समय के लिए उस नएपन की वजह से अनसर्टेनिटीज बनी रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, असमंजस की सिचुएशन है। लेकिन उस कार्य का जिम्मेदारी लेते हुए अगर आप लगे रहते हो तो ये हो सकता है कि आपने जो परिणाम एक्सपेक्ट किया था, रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था, उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको हम असफलता कह रहे हैं। बट एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, उस प्रोसेस में लेसर परिणाम मिलने के बावजूद भी आपकी बुद्धि जो उस कार्य को समझती जा रही है, वही कार्य तुम दूसरी बार लेते हो तो उतना आसानी से वो कार्य निभा सक रहे हो। वॉट योर इंटेलिजेंस इज फैदमिंग, फिगरिंग आउट, अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट विल ऑलवेज बिकम ए प्लेटफॉर्म फॉर यू टू डू द सेम थिंग बेटर द नेक्स्ट टाइम। सो मैं कह रहा हूं एक्चुअली असफलता है क्या वो? मैं कहूंगा इट्स ए लेसर सक्सेस। इसीलिए कहते हैं असफलता, फेल्यूर एक्चुअली इज ए स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो फेल्यूर है ही नहीं वो, तुमने जो परिणाम एक्सपेक्ट किया था वो परिणाम नहीं मिला है, लेकिन वही कार्य दूसरी बार लो तो वो एक नींव का पत्थर बनता है सफलता की तरफ जाने के लिए। बेवकूफ लोग उस एक असफल अनुभव का बोझ बना के, धारणा बना के, अपनी चेतना में धारण करके अपने ही जीवन का कबाड़ा करते हैं। कौन से लोग? बेवकूफ लोग। जैसे सफलता पाने के लिए स्टेपिंग स्टोन्स 2-4-5 सो कॉल्ड असफलताएं बनी और बाद में सक्सेस मिला, सफलता मिली, वैसे ही अपने खुद के विषय में अगर तुम्हें विश्वास की कमी है तो देखो कैसा ये खेल चलता है। कभी असफलता की के डर की वजह से तुम जिम्मेदारी लेने से कतराते हो, कभी अपने आप के बारे में विश्वास की कमी की वजह से जिम्मेदारी लेने से कतराते हो। मैं कहता हूं अपने खुद के विषय में विश्वास की कमी है इसलिए जिम्मेदारी नहीं लेते, और जिम्मेदारी ना लेने की वजह से विश्वास की कमी बनी रहती है, विष चक्र है। और एग्जैक्टली ऑपोजिट आप देखोगे, जब जब तुमने अपने बारे में विश्वास की कमी होने के बावजूद कोई बड़ा जिम्मेदारी का कार्य हाथ में लिया होगा तो वो कार्य निभाने में अपने विषय में विश्वास बढ़ता है, और जितना ज्यादा विश्वास बढ़ता जाता है वो स्टेपिंग स्टोन बनता है बड़ी और बड़ी जिम्मेदारियां लेने के लिए। विश्वास बढ़ता जाएगा जिम्मेदारियों से और बड़ा जिम्मेदारी लेने का मन करेगा। ये अमृत चक्र भी अवेलेबल है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, बेवकूफ विश्वास की कमी की वजह से जिम्मेदारियां नहीं लेते। कौन? बेवकूफ। सुन रहे हो क्या मेरी बात? तुम्हारे जीवन के कल्याण के कार्य में ये तीन ही रुकावटें हैं। एक तो प्रमाद, जो हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ ही लिया, दूसरा असफलता का डर, और तीसरा अपने स्वयं के विषय में विश्वास की कमी। इन तीनों का सोल्यूशन यही है
टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जंप इनटू एक्शन।